हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी एमिली डिकिंसन के एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, जो इम्पोर्टेंट तो इंग्लिश लिटरेचर के सभी एग्जाम्स के लिए है, लेकिन स्पेशली हम ईएमआरएस के टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, उसी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके दो पार्ट मैं पहले ही कवर अप करा चुकी हूँ, अगर किसी ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, टू व्हाट वेस्टर्न सिटी डिड डॉक्टर चार्ल्स वर्ड्सवर्थ मूव इन 1852? ऑप्शंस आर सैन डियागो, डेनवर, सैन फ्रांसिस्को, सीटल। तो वो कौन सी वेस्टर्न सिटी थी जहां पर डॉक्टर चार्ल्स वर्ड्सवर्थ जो है वो मूव कर जाते हैं 1852 में। चार्ल्स वर्ड्सवर्थ ये एमिली डिकिंसन से काफी जुड़े हुए थे। यहां पर राइट आंसर क्या होगा? यस, सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड इज, वेयर डिड ऑस्टिन डिकिंसन गो टू लॉ स्कूल? जो ऑस्टिन डिकिंसन होती हैं वो कहाँ पर लॉ स्कूल के लिए जाती हैं? एमहर्स्ट, हार्वर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स या फिर इंडियन यूनिवर्सिटी? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, कहाँ के लॉ स्कूल में जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर है हार्वर्ड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड इज, डिकिंसन गेव अ पोर्ट्रेट ऑफ विच पोएट्स हैंड्स टू थॉमस वेंटवर्थ हिगिंसन एज अ पार्टिंग गिफ्ट? ऑप्शंस आर एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग, वॉल्ट व्हिटमैन, विलियम ब्लेक। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? डिकिंसन गेव अ पोर्ट्रेट ऑफ विच पोएट्स हैंड? डिकिंसन, एमिली डिकिंसन जो होती हैं वो एक पोर्ट्रेट देती हैं कौन से राइटर के हाथों में? टू थॉमस वेंटवर्थ हिगिंसन एज अ पार्टिंग गिफ्ट। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, व्हिच न्यूज़पेपर पब्लिश्ड अ नंबर ऑफ डिकिंसन्स पोएम्स? एमिली डिकिंसन की बहुत सारी पोएम कौन से एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में पब्लिश होती थी? ऑप्शन ए द न्यूयॉर्क टाइम्स, द बोस्टन ग्लोब, द मिनियापोलिस स्टार ट्राइबून या फिर स्प्रिंगफील्ड रिपब्लिकन। तो वो पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का नाम बताना है जहां पर एमिली डिकिंसन की बहुत सारी पोएम्स पब्लिश हुई थी। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यहां पर जो राइट आंसर है वो है स्प्रिंगफील्ड रिपब्लिकन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ इज, व्हाट कलर डिड डिकिंसन बिगिन वेयरिंग एक्सक्लूसिवली व्हेन शी वाज इन हर 20s? जब वो अपनी 20s के एज पीरियड में थी तो उस समय पर वो ज्यादातर कौन सा कलर को प्रीफर करती थी या कौन से कलर को पहनना उन्होंने शुरू कर दिया था? ऑप्शन है ब्लैक, व्हाइट, पिंक, ब्लू। What should be the right answer? Yes, यहां पर जो राइट आंसर है वो है व्हाइट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, व्हाइट कलर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन सिक्स, ड्यूरिंग द सिविल वॉर फॉर व्हाट वॉज कॉलोनल थॉमस वेंटवर्थ हिगिंसन बेस्ट नन? ऑप्शन ए कमांडिंग द फर्स्ट ब्लैक रेजिमेंट इन US मिलिट्री हिस्ट्री, फायरिंग द फर्स्ट शॉट्स ऑफ फोर्ट समटर, डिसओबेइंग अब्राहम लिंकन एट द बैटल ऑफ बुल रन
या फिर डिजर्टिंग द यूनियन आर्मी? बताइए, कॉलोनल थॉमस वेंटवर्थ को मतलब वो किस लिए फेमस है ड्यूरिंग सिविल वॉर के, किस लिए जाना जाता है इनमें से? यस, राइट आंसर क्या होना चाहिए? कमांडिंग द फर्स्ट ब्लैक रेजिमेंट इन यूएस मिलिट्री. ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पहली ब्लैक रेजिमेंट. चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विच मूवी वॉज बेस्ड ऑन कॉलोनल हिगिंसन्स एक्सपीरियंस इन सिविल वॉर? इनमें से कौन सी मूवी है जो इस पर बेस्ड है, कॉलोनल हिगिंसन के सिविल वॉर के दौरान के जो उनके अपने अनुभव थे उस पर बेस्ड है मूवी? ऑप्शन है डांसेस विद वुल्व्स, गॉन विद द विंड, ग्लोरी, डर्टी डांसिंग. सोचिए आंसर कीजिए, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, यहां पर उस पर्टिकुलर मूवी का नेम है ग्लोरी. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एथ इज When did Edward Dickinson die? Edward Dickinson कौन थे? Father of Emily Dickinson. ठीक है, तो इनकी मृत्यु कब होती है? ऑप्शन नंबर ऑप्शन है 1874, 1880, 1888 या फिर 1889. यहां पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? सोचिए आंसर कीजिए. यस, द करेक्ट आंसर इज 1874. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ इज विच ऑफ सू एंड आस्टिन्स चिल्ड्रन हैड एपिलेप्सी? ऑप्शंस आर गिव, नेड, मार्था, एमिली डिकिंसन. यहां पर पूछा जा रहा है कि सू और ऑस्टिन ये कपल था, ठीक है, इनके बच्चे थे. अब उन बच्चों में से कौन से बच्चे को एपिलेप्सी था? ऑप्शंस आपके सामने हैं. यहां पर उस बच्चे का नाम था नेड. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 10, What was Thomas Higginson's most frequent complaint to Dickinson about her poetry? तो Thomas Higginson की most frequent complaint मतलब बार बार आने वाली वो कौन सी complaint थी Emily Dickinson की poetry को लेकर? क्या complaint किया करते थे वो? Options हैं, it was too hyperbolic, it lacked form or structure, she mixed metaphors, Higginson did not think Dickinson's poetry needed improvement. तो बताइए यहां पर क्या राइट आंसर है? क्या Higginson कंप्लेन किया करते थे या नहीं किया करते थे? अगर किया करते थे तो वो किस टाइप की कंप्लेन करते थे रिगार्डिंग Emily Dickinson's poetry? Yes, what should be the right answer? तो Higginson की जो अक्सर कंप्लेन रहती थी वो थी इट लैक्ड फॉर्म और स्ट्रक्चर. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 11, विच ऑफ Dickinson's फ्रेंड्स रोट द बुक अ सेंचुरी ऑफ डिशोनर? Emily Dickinson के कौन से मित्र ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है अ सेंचुरी ऑफ डिसऑनर? ऑप्शंस आर हेलन फेस्के जैक्सन, हेनरी इमोन्स, थॉमस वेंटवर्थ हिगिंसन या फिर सू गिल्बर्ट डिकिंसन. सोचिए आंसर कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है हेलन फेस्के जैक्सन.
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने ये बुक लिखी, बुक का नाम भी ध्यान रखना है, और ये डिकिंसन के ही, एमिली डिकिंसन के ही फ्रेंड थे। इन्होंने बुक लिखी है सेंचुरी ऑफ डिसऑनर, हेलन फिस्के जैक्सन ने। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 12th इज विच मेन्स पोर्ट्रेट बिसाइड्स थॉमस कार्लाइल्स हंग ऑन डिकिंसन्स वॉल। तो एमिली डिकिंसन की दीवार पर थॉमस कार्लाइल के बाजू में, मतलब बगल में, किस पर्टिकुलर मैन की पोर्ट्रेट लगी हुई थी? ऑप्शंस हैं एडवर्ड डिकिंसन, ऑस्टिन डिकिंसन, या फिर सैमुअल बॉल्स, डॉक्टर चार्ल्स वॉर्ड्सवर्थ। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? डॉक्टर चार्ल्स वर्ड्सवर्थ। जैसे कि आप जानते हैं कि डॉक्टर चार्ल्स वर्ड्सवर्थ ने भी इन पर बहुत प्रभाव डाला था, एमिली डिकिंसन पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 13, हाउ डिड डिकिंसन ग्रीट थॉमस वेंटवर्थ हिगिंसन अपॉन देयर फर्स्ट फेस टू फेस मीटिंग। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि एमिली डिकिंसन की जब पहली बार थॉमस वेंटवर्थ हिगिंसन से मुलाकात होती है, तो वो उन्होंने उन्हें, जो हिगिंसन थे, उन्हें किस तरीके से ग्रीट किया था? विद फ्लावर्स, विद हर वेल फेस, विद टीयर्स, विद अ बुक ऑफ हर पोएट्री। तो क्या होना चाहिए यहां पर राइट आंसर? Yes, the correct answer is with flowers. Option number A is the correct answer, with flowers. Next is 14. Which man did Dickinson hint about marrying when she was in her 50s? तो Emily Dickinson किस particular man की तरफ इशारा करती हैं कि वो अपने 50s के दौरान उससे शादी करना चाह रही थी? Option है Dr. Charles Wordsworth, Jude Otis Lord, सैमुअल बॉबल्स, हेनरी एमोंस। यहां पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां जो राइट आंसर है वो है जूड ऑटिस लॉर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जूड ऑटिस लॉर्ड। नेक्स्ट इज 15. When did Lavinia marry? Lavinia जो होती है वो शादी कब करती है? ऑप्शन है 1855, 1860, 1862, या फिर Lavinia never married, या फिर उन्होंने शादी की ही नहीं थी। क्या होगा इसका राइट आंसर? Yes, यहां पर जो राइट आंसर है वो है Lavinia never married. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट 16 इज विद व्हाट डिजीज वाज डिकिंसन डिसएगोनाइज एग्नोस्ड व्हेन शी वाज इन हर मिड 50s। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि एमिली डिकिंसन किस पर्टिकुलर बीमारी से ग्रसित हो गई थी अपने मिड 50s में? ऑप्शन है एपिलेप्सी, लूपस, ब्राइट्स डिसीज, या फिर मैस्कुलर डायस्ट्रॉफी। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो राइट आंसर है, कौन सी डिसीज हुई थी एमिली डिकिंसन को? तो वो थी ब्राइट्स डिसीज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 17. इन विच ईयर डिड डिकिंसन डाई? एमिली डिकिंसन कौन से ईयर में मरती हैं, या फिर कौन से ईयर में एक्सपायर होती हैं? ऑप्शन है 1886, 1880, 1890, 1900। सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, what should be the right answer? 1886. Option number A is the correct answer. 1886.
Moving to the next question. Question number 18 is, at Dickinson's funeral, Thomas Higginson read a poem by which author? तो एमिली डिकिंसन के फ्यूनरल पे थॉमस हिगिंसन जो है वो एक पोएम रीड आउट करते हैं, वो किस ऑथर की थी? ऑप्शन है डिकिंसन ब्रॉन्टे, शार्लेट ब्रॉन्टे, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग या फिर वॉल्ट विटमैन। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? The correct answer is Dickinson Bronte. Option number A is the correct answer. Moving to the next question. 19 is, in her will, what did Dickinson stipulate regarding her letters? अपनी बिल में, अपनी वसीयत में Dickinson क्या stipulate करती हैं अपने letters को लेकर? Option A, to have them published, to return them to the original senders, to burn them या to bury them with her। सोचिए, आंसर कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? यस, what should be the right answer? तो वो लेटर्स को लेकर कहती हैं to burn them। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, to burn them। नेक्स्ट इज 20। Question number 20 is, who found Dickinson's secret stash of poem? Options are Suzanne Gilbert Dickinson, Lavinia Dickinson, Thomas Wentworth Higginson या फिर Mabel Todd Lomas। तो Emily Dickinson के जो secret stashes थे poems के, वो किसे मिल जाते हैं? सुजैन गिल्बर्ट डिकिंसन को, लाविनिया डिकिंसन को, या थॉमस वेंटवर्थ हिगिंसन को, या फिर मैबल टॉड लॉमीज को? क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यहां पर जो राइट आंसर है वो है लाविनिया डिकिंसन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 इज, yes, question number 21, who edited the first published volume of Dickinson's poetry? जो Emily Dickinson का पहला first published volume था poetic collection का, उसको edit कौन करता है? Option है Lavinia Dickinson, Mabel Todd Lomas, Austin Dickinson या फिर Suzanne Gilbert Dickinson। क्या होगा इसका right answer? सोचिए, आंसर कीजिए। लाविनिया डिकिंसन, मैबल टॉड लॉमीज, ऑस्टिन डिकिंसन या फिर सुजैन गिल्बर्ट डिकिंसन। तो इसका भी जो राइट आंसर है वो है लाविनिया डिकिंसन। ध्यान रखना है, इनका एमिली डिकिंसन का जो फर्स्ट पब्लिश्ड वॉल्यूम था, पोएट्री कलेक्शन था, फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन, उसको एडिट करने का श्रेय भी किसे जाता है? लाविनिया डिकिंसन को। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 is, who edited later volumes of Dickinson's poetry? और बाद वाले जो volumes थे Emily Dickinson की poetry के, poetic collection थे बाद में जो publish हुए थे, उनको कौन edit करता है? Option है Thomas Wentworth Higginson, Mabel Todd Lomas, Mark Twain, Harriet Beecher Stowe। सोचिए, आंसर कीजिए। यहां पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? Yes, what should be the right answer? तो बाद वाले volumes का addition करने का श्रेय किसे जाता है? Mabel Todd Lomas को। Option number B is the correct answer. Mabel Todd Lomas. Moving to the next question. 23rd. What was the title of the 1945 collection that brought Dickinson the most posthumous fame? Options are Safe in Their Alvester's Chambers, The Bee, Loves, Complete Poems of Emily Dickinson. क्या होगा इसका राइट आंसर?
सोचिए आंसर कीजिए। जो 1945 का कलेक्शन था उसका टाइटल क्या था और वो कलेक्शन क्या कौन सा था, दैट ब्रॉट रिकग्निशन द मोस्ट पॉस्थमस फेम, के मतलब एक ऐसा वर्क था जिसने एमिली डिकिंसन की डेथ के बाद भी उन्हें इतना फेम दिलाया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। यस, इसका जो राइट आंसर है वो यही है, कंप्लीट पोएम्स ऑफ एमिली डिकिंसन। एमिली डिकिंसन की जो कंप्लीट पोएम्स थी वो सारी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 24। वेयर इज एमिली डिकिंसन बरी, एमिली डिकिंसन को दफनाया कहां पर जाता है। ऑप्शन है शिकागो, बोस्टन, एमहर्स्ट, स्प्रिंगफील्ड। सोचिए आंसर कीजिए। वेयर इज एमिली डिकिंसन बरीड, शिकागो, बोस्टन, एमहर्स्ट, स्प्रिंगफील्ड। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, एमहर्स्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एमहर्स्ट में इन्हें दफनाया जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 25th इज हाउ मेनी पोएम्स डिड डिकिंसन प्रोड्यूस इन हर लाइफ टाइम। अपने पूरे लाइफ टाइम में एमिली डिकिंसन टोटल कितनी पोएम्स पब्लिश करती हैं या कितनी पोएम लिखती हैं, क्योंकि पब्लिश तो पोस्थमसली भी हुई थी। ऑप्शंस हैं 1,000, 1,800, 500, 250। कितनी पोएम्स लिखती हैं ये? सोचिए आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 1,800। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अपने पूरे लाइफ टाइम में ये 1,800 पोएम लिखती हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 26th, what is one of the Dickinson's posthumous nickname? तो Emily Dickinson का मृत्यु के बाद पड़ा हुआ एक निकनेम क्या था? ऑप्शन है द बैले ऑफ एमहर्स्ट, द बर्ड, द रिक्लूसिव जीनियस या फिर क्वीन रिक्लूज। बताइए इनका ऐसा निकनेम जो पॉस्थमसली इन्हें दिया गया, इनकी मृत्यु के बाद इन्हें दिया गया ऐसा निकनेम क्या है? द बैले ऑफ एमहर्स्ट, द बर्ड, रिक्लूसिव जीनियस या फिर क्वीन रिक्लूज। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, यहां पर जो राइट आंसर वो है द बैले ऑफ एमहर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, द बैले ऑफ एमहर्स्ट। नेक्स्ट इज व्हाट टू इमेजेस डज डिकिंसन यूज टू सिंबलाइज सक्सेस इन सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। एमिली डिकिंसन का एक वर्क है जिसका नाम है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। तो इसमें ये जो सक्सेस वर्ड आया है, इस वर्ड से एमिली डिकिंसन क्या सिंबलाइज करती हैं? वो कौन सी दो इमेजेस हैं जो डज डिकिंसन यूज टू सिंबलाइज सक्सेस, जो सक्सेस को सिंबलाइज करते हैं? ऐसे दो इमेजेस बताने हैं। ऑप्शन है द नेक्टर एंड द विक्टोरियस आर्मी, द नेक्टर एंड द ऑलिव ब्रांच एंड द लॉरेल या फिर द लॉरेल एंड विक्टोरियस आर्मी। क्या होगा इसका आंसर? बेसिकली उन पर्टिकुलर मेटाफर की बात की जा रही है जो सक्सेस को सिंबलाइज करते हैं। पोएम में वो कौन से मेटाफर है, कौन से सिंबल्स हैं? सोचिए आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द नेक्टर एंड द विक्टोरियस आर्मी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये दो इमेजेस हैं जो सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं इस पोएम में। द सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 28th इज व्हाट डज द पोएट डिस्क्राइब एज द डोर अजार इन आई कांट लिव विद यू। तो ये एक पोएम का नाम है आई कांट लिव विद यू। इसमें एक फ्रेज आती है या बोल लीजिए एक वर्ड आता है द डोर अजार। इससे पोएट का क्या मतलब है या पोएट किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है ऐसा वर्ड देखे द डोर अजार। ऑप्शन है हर आईज, द प्रिजन विंडो, द ओशियन या फिर गॉड्स आईज।
क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। द डोर अजार से मीनिंग क्या है पोएट का, आई कांट लिव विद यू में। तो यहां पर जो राइट आंसर है ना वो होगा द ओशियंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, द ओशियंस। नेक्स्ट इज हु इज एंटॉम्ब्ड नियर द स्पीकर ऑफ आई डाइड फॉर ब्यूटी। तो यहां पर बेसिकली पूछा जा रहा है कि आई डाइड फॉर ब्यूटी जो पोएम है इसके जो स्पीकर हैं उनके पास में ही किसको एंटॉम्ब्ड किया जाता है। ऑप्शन है वन हु डाइड फॉर फेम, वन हु डाइड फॉर ट्रूथ, वन हु डाइड फॉर लव, या फिर अब्राहम लिंकन। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? सोचिए, आंसर कीजिए। एंटॉम्ब्ड का मतलब क्या होता है? टॉम मतलब कबर को बोलते हैं किसी की। ठीक, तो किसको मतलब स्पीकर के बगल में या स्पीकर के पास में एंटॉम किया गया है? ऑप्शन है वन हु डाइड फॉर ट्रूथ। यहां पर जो राइट आंसर है वो यही है, वन हु डाइड फॉर ट्रूथ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 इज इन बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ व्हाट डज द स्पीकर पास बाय ड्यूरिंग हर कैरेज राइड विद डेथ। तो ये भी एक पोएम का नाम है, एमिली डिकिंसन की पोएम है जिसका नाम है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। ठीक है, इस पोएम में व्हाट डज द स्पीकर पास बाय ड्यूरिंग हर कैरेज राइड विद डेथ। ऑप्शन है अ स्कूल यार्ड, अ कॉलेज डांस, अ पैरेड, अ स्कूल यार्ड, अ रैपेंड फील्ड एंड अ सेटिंग सन, अ सेटिंग सन, अ स्कैरी क्रो, अ स्केयर क्रो या एंड अ कॉलेज डांस, या फिर ऑप्शन डी इज अ रैपेंड फील्ड, अ बैटल और अ स्कूल यार्ड। किन किन चीजों को वो देखता जा रहा है रास्ते में जब वो अपने कैरेज राइड पर जा रहा है डेथ के साथ, जा रही है, सॉरी, शी इज फीमेल। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू द पोएम वो है अ स्कूल यार्ड, अ रिपेंट फील्ड और अ सेटिंग सन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रास्ते में वो इन इन चीजों को देखता हुआ देखती हुई जाती है, स्कूल यार्ड, अ रिपेंट फील्ड एंड अ सेटिंग सन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सजेशन देना चाहते हैं, कुछ भी आप बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता सकते हैं, कोई भी क्वेरी है किसी भी तरीके की। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।